नमस्कार इंडिया ट्वेंटी फोर सेवन लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं प्रतीक्षा वर्मा। तो चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त किया है हम और बड़ी खबरों की ओर। खबर है जनपद बाराबंकी की तहसील फतेहपुर से। आपको बता दें फतेहपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत भद्रास के अंतर्गत पांडे का पूर्वज जिसमें दो नल खराब पड़े हुए हैं, जिसमें राजेश कुमार के अंतर्गत ग्राम प्रधान अनीता देवी से कहा गया था कि नल को सही कराएं, जिसमें ग्राम प्रधान अनीता देवी ध्यान नहीं दी। उन्होंने कहा कि यह हमारे अंतर्गत नहीं आता है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि लोगों को पानी पीने की काफी समस्या हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं सेक्रेटरी साहब से भी कहा गया कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गांव के लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह से लोगों की समस्या का हल हो सके। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए संदीप कुमार की रिपोर्ट। ये देखिए हमारी ग्राम पंचायत का भद्रास का ये हैंडपंप लगा है जो प्रधान ने लगवाया था, और ये पानी नहीं दे रहा है, उतार ले जा रहा है। करीबन आधा एक घंटा इसमें औटना पड़ता है। उठे रहो दादा, टेंशन चलाए रहो इसको, हाँ यूँ चलाते रहो। देखिए कितनी देर पानी गिरता है, बहुत देर बाद पानी गिरता है इसमें। और ये प्रधान लोग से कहा जाता है कि हैंडपम्प सुधराओ, लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं। वो कहते हैं ऊपर से क्लेम लगाओ, तो हम कहाँ जाएं बताओ। और पानी पीने में तकलीफ़ हो रही है, देखिए कितनी देर से उठ रहे हैं, अभी तक पानी नहीं आया इसमें। और इस पर चौकी देखिए, ये नहाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ पानी भर ले जाओ बस। चौकी तो है लेकिन चौकी से साधन कहाँ, नंबर के अंदर बम्बा लगा पड़ा। कितने दिनों से बम्बा बेकार है वो हमरी जाने की क्या हो गया है। 2 महीना तीन महीना और दूध अपने पैसे से बनवा गवा चला रहे, चला रहे एक महीना फिर पड़ा, चलाते रहो चलाते रहो। करीबन कितनी देर लगे ये पहाड़ पर चलाना पड़ता है जब पानी आता है। अब तक तो देखे रहे खुद बन जा दीजिए, सामने चारों फिर रात है। देखिए अभी तक पानी इसमें नहीं आया आप, लेकिन अब देख रहे हो पानी का आ रहा है जो गिर रहा था। देखिए पानी आ रहा है वो भी कम,